नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर जनपद की कुछ खास और 10 बड़ी खबरें। बीते दिन थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम महमदपुर गलिया निवासी 55 वर्षीय हरिवंश सिंह चारा लेकर खेत से वापस आ रहे थे। पैर फिसलने से सड़क किनारे बने तालाब में गिर गए और गहरे पानी में डूबने के कारण भगवान को प्यारे हो गए। थाना कादरीगेट क्षेत्र के अमेठी कोना मालती गार्डन के पीछे नाले में शहर के मोहल्ला बदरिया निवासी 60 वर्षीय बाबा राधेश्याम उर्फ नाऊ बाबा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर निवासी 26 वर्षीय कमलेश पुत्र जगतपाल का गंगा में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के बाद अभी तक पता नहीं चला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजने का पूरा प्रयास जारी है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के बगार स्थित मेजर एचडी सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीती रात बीएएमएस प्रथम वर्ष के छात्र 20 वर्षीय ऋषभ पांडे निवासी जनपद गोरखपुर ने तनाव के चलते पानी की टंकी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम सराह में रंजिश के चलते वृद्ध की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उसके दो पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा दो आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। थाना कादरीगेट क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के सामने जनपद हरदोई के बिलग्राम जलालपुर निवासी 32 वर्षीय अवधेश पुत्र रामेश्वर पड़ा मिला, जिसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमालगंज थाना पुलिस ने धर्मेंद्र राजपूत हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए हत्यारे पुष्पेंद्र को दबोच लिया है। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। दिनांक 11/7 को ग्राम मीठापुर में एक हत्या हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र कमालगंज है, जिसमें उसकी पुत्री, जो मृतक की पुत्री है, उसके द्वारा तहरीर दी गई। इस पर तत्परता से कार्रवाई की गई, FIR पंजीकृत किया गया। घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों का भ्रमण हुआ, फोरेंसिक टीम आई और पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय द्वारा CEO अमृतपुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई और टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जो अभियुक्त है वो मृतक का पुत्र है और प्रॉपर्टी की वजह से उसने हत्या कायद करना बताया। जो वाला कत्ल है वो बरामद कर दिया गया है, अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जनपद फरुखाबाद गंगा में आई बाढ़ ने अब रौद्र रूप ले लिया है। राजेपुर अमृतपुर शमशाबाद कमालगंज बा मऊ दरवाजा थाने के लगभग 75 गांव शहर से सड़क संपर्क टूट गया है। बीते दिन नरोरा बांध से गंगा में 1,80,348 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और पांचाल घाट पर गंगा खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचकर 130.30 मीटर ऊपर पहुंचकर गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ बह रही है। जिले में बाढ़ के प्रकोप से पीड़ितों से मिलने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य कुमारजीत सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। जीतू भैया ने विद्युत व्यवस्था ठप देख बाढ़ पीड़ितों के लिए जनरेटर लगवाया, साथ ही साथ लगभग आधा दर्जन बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण करने की बात कही और यूपी 76 न्यूज को बताया। आज आपने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया है, किन किन गांवों का किया था और क्या क्या? हमारे जिला पंचायत शमशाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6 के गांव अजीजाबाद के जो मजरे थे, अलमापुर है, नगरिया है, अजीजाबाद छोटा, अजीजाबाद बड़ा, इन सब गांव के हमने दौरा किया। जो लोग गांव छोड़कर गांव में अधिक पानी आ जाने पर रोडों पर रह रहे थे, वहां बच्चे वगैरह, उनको जो सुविधा हो सकी, बिस्किट हैं, केले हैं और भी खाना अन्य सामग्री दिया और बाकी आश्वासन भी दिया, जो जरूरत हो वो लोग हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। और कुछ लोगों की समस्या थी, बिजली पानी की भी समस्या थी, तो पानी के लिए हमने जो है बिजली के लिए उसकी व्यवस्था बनाई, जनरेटर। अलमापुर के लोग जहाँ रह रहे थे, खुले मैदान में रह रहे हैं, वहाँ उन्हें हमें तिरपाल की व्यवस्था करवाएंगे और वहाँ बिजली के लिए जनरेटर, जब तक बाढ़ रहेगी वो वहाँ रहेंगे तब तक उनके बिजली के लिए शाम को जनरेटर की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र समाचार उच्च तार में गया, वहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय सांसद जी के साथ में जो सरकार द्वारा राहत सामग्री आई थी उसका वितरण किया।
और यहीं पे अजीजाबाद में कुछ ग्रामीणों ने आपसे कुछ मांग की थी रोड की। हाँ, ग्रामीणों ने मांग की रोड की, मैंने उनसे आश्वासन नहीं दिया, बल्कि मैंने ये विश्वास दिलाया कि 100% जैसी बाढ़ खत्म होती उनका जो पहले प्राथमिकता से उनकी जो है रोड बनवाई जाएगी, और जो रोड टूटी हुई है जहाँ मरम्मत हो सकती है वहाँ मरम्मत होगी, जो बिल्कुल रोड नहीं है वहाँ रोड बनेगी। एक गांव का रोड जो है जुड़ने के लिए था, लिंक मार्ग जहाँ कच्चा है वहाँ भी जोड़ने की आश्वासन दिया। कई रोड थे? करीब 4 रोड हैं वहाँ पर, जो 3 बनने हैं, एक मरम्मत होनी है, और जो भी इस समय जो कटान हो रहा है उसमें जो कट रही है उसकी व्यवस्था बनानी है। फरुखाबाद शहर के मुख्य चौराहा चौक पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मणिपुर मानवता को शर्म करने वाली अमानवीय घटना व हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर भाजपा को घेरते हुए कहा कि कुर्सी है जनाब, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कहकर जिला अध्यक्ष ने यूपी 76 न्यूज को बताया, बजट से पूरा देश आज शर्मसार है, पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। 70 सालों की आजादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि माताओं बहनों को नग्न करके उसकी परेड कराई जा रही हो, पुलिस कस्टडी से महिलाओं को छुड़ाकर उनका बलात्कार किया जा रहा हो, सार्वजनिक तौर पे उनकी बेइज्जती की जा रही हो। आज के समय पे जो मणिपुर की सरकार है, जो 81वां दिन है आज, वहाँ पे लगातार दंगे हो रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं, 70,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं और न जाने कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि माताओं बहनों के साथ ये जाति रोकी जाए, जो भी दोषी हों उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मणिपुर की हिंसा देश के लिए एक त्रासदी है, देश के लिए एक कलंक है, और ये जो सरकार है आपकी निकम्मी सरकार है, लाचार सरकार है, जो अपनी जो है नाकामियों को छुपाने के लिए हिंसा को बढ़ावा दे रही है। हमारी मांग है कि जो निकम्मी सरकार है सबसे पहले उसको बर्खास्त किया जाए, आप साथ भाग जाए, उस बीमार को निकला जाए और दोनों को फिर से इकट्ठे करो। सरकार गवर्नर महोदय अनुसुईया जी, वो भी एक महिला है, चुपचाप बैठा हुआ है, आज समय मीडिया है वो मुल्क मीडिया कवर नहीं कर रहा है, देसी बच्चा और हम लोग जिम्मेदार है और हम लोग।